नमस्कार, और आज हम खड़े हैं जर्मन कॉम्पैक्टर के सामने जिसका नाम है हैम 311। 1911 में लॉन्च हुआ था और ये लेटेस्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। डीजल और मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। रेंज शुरू होती है एक शोरूम 30 लाख रुपीज़ से और टॉप ऑर्डर कीमत है 80 लाख रुपीज़। और ये 311 वेरिएंट आप देख रहे हैं जिसकी कीमत है 22 लाख रुपीज़। 37 मॉडल्स आते हैं हैम के कॉम्पैक्टर रेंज में। पुणे में असेंबली होती है 311 कॉम्पैक्टर की। हैम एक जर्मन कंपनी है जिसको दो भाई फ्रेंस हैम और एंटॉन हैम ने शुरू किया था 1878 में। हैम दुनिया की पहली कंपनियों में से एक है जिसने डीजल पावर्ड रोड रोलर बनाए थे। और ये है 2.1 मीटर का चौड़ा स्मूथ ड्रम। हैम का स्टिकर है। डुअल स्क्रैपर बार है स्मूथ वर्किंग कंडीशन के लिए। हैम का लोगो, 311 मॉडल का स्टिकर। यह आगे हेडलाइट और ये कैनोपी। 5.6 मीटर लेंथ है, 3.1 मीटर हाइट है, 419 mm ग्राउंड क्लियरेंस है और 4 मीटर टर्निंग रेडियस है 311 का, और 11,220 kg ऑपरेटिंग वेट है। और ये है 59 इंच का ड्रम। आगे और पीछे हाइड्रोलिक ब्रेक्स मिलेंगे। और ये है 26 इंच का स्टील व्हील। काफी बड़ा टायर है। ''1999 में जर्मन कंपनी वर्टजेन ने हैम को खरीद लिया था। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में सॉइल कॉम्पैक्शन एक प्रोसेस होता है, सॉइल पर स्ट्रेस देकर डेंसिफिकेशन करना। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सॉइल कॉम्पैक्शन। इससे फाउंडेशन या रोड बनाने में सपोर्ट मिलता है। और ये टेल लाइट। थ्री डबल वन में हैम ट्रॉनिक है। ये एक माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड मशीन मैनेजमेंट सिस्टम है जो इंजन मैनेजमेंट, ड्राइव कंट्रोल और एंटी स्लिप रेगुलेशन कंट्रोल करता है। रियर एक्सेल में लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल है व्हील स्पिन को रोकने के लिए। सिर्फ ऑरेंज कलर ही आता है 311 में। और यहाँ से भरेंगे डीजल। 3 point आर्टिकुलेशन है, बेहतरीन ट्रैक्शन और ऑफ रोड मोबिलिटी के लिए। 50 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल है 311 में और 2000 आर्स में चेंज करना पड़ता है वो। डुअल फ्रीक्वेंसी है अलग अलग सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए। इंटेलिजेंट कॉम्पैक्शन सिस्टम ICS है ओवर कॉम्पैक्शन के डेंजर को रोकने के लिए। एकदम सिंपल ऑपरेशन है 311 का। एर्गोनॉमिक ड्राइवर प्लेटफॉर्म है शानदार व्यू के लिए। यह हाइड्रोलिक ऑयल। 3 point स्वाइवल जॉइंट है रोड बनाने में बेस्ट रिजल्ट के लिए। यह हैम का लोगो। और यह एग्जॉस्ट टेल पाइप। एफिशिएंट ऑयल और वाटर कूलिंग है 311 में। और ये फुट स्टेप है आसानी से चढ़ने के लिए। और ये है विनाइल अपॉल्स्ट्री। सिंपल प्लेन रूफ है। ये सीट बेल्ट लगाने के लिए।
और ये है 3-spoke आर्टिकुलेटेड स्टीयरिंग, ये रियर व्यू मिरर, आइए मशीन को ऑन कर लेते हैं। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा ड्राइव सिस्टम, वाइब्रेशन, इंजन मैनेजमेंट, ट्रैवल स्पीड, ग्रेडेबिलिटी, मशीन फेलियर लोकेशंस, कॉम्पैक्शन मीटर और ऑटोमेटिक स्लॉप रेगुलेशन। वाइब्रेशन मीटर है ये, और ये लाइट के कंट्रोल्स हैं, और ये वाइब्रेशन का बटन और लो हाई का बटन, और ये है ट्रांसमिशन, और ये है एक्सीलेटर वायर, ये पार्किंग का बटन, और ये पूरी मशीन को स्टॉप करने का रेड बटन, आइए मशीन का वाइब्रेशन देखते हैं। थर्टी टू हर्ट्स की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है 311 की, और 240 किलो न्यूटन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करती है 311। आइए पीछे का बोनेट खोल कर देखते हैं। इस तरीके से पीछे का बोनेट ओपन होता है। कमिंस का डीजल इंजन है 311 में। तो ये है 3900 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर कमिंस का BS3 डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन, 100 हॉर्स पावर है, 359 Nm टॉर्क है, 12 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, और 7 लीटर पर आवर का एवरेज मिलेगा 290 लीटर के फ्यूल टैंक से। फ्लीट गार्ड के फिल्टर है, तो कैसा लगा आपको हैम 311 कॉम्पैक्टर हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।